दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। और देश के लिए कुछ अच्छा उन्होंने पिक्चर बनाई है, हमें कुछ नया जानने को मिला हिंदुस्तान को कि हमारे देश के कुछ आदमी उधर जाके कुछ अच्छा काम करते हैं। उनको बहुत बेहतरीन पिक्चर लगी और 5 स्टार देना चाहते हैं हम इसे, और देश के हर आदमी देखना चाहते हैं कि हमारे देश के वतन के लिए कुछ करते हैं कोई हमारे लिए। लेकिन बेहतरीन होने की वजह क्या, क्या खास है इस फिल्म में, स्क्रिप्ट खास है, एक्टिंग खास है, लोकेशन क्या खास है? नहीं, इसमें देश के लिए खास आदमी हमारे जाते हैं पाकिस्तान में, वो स्टोरी बहुत खास है कि उन्होंने अपनी जान पे बाजी लगा के काम करते हैं, वो हमें बहुत बेहतरीन लगी है। मुझे कमजोरी लास्ट का यही कमजोरी लगी कि हमारे हिंदुस्तान के जहाँ जाते हैं उधर फिर उनको कुछ कदर नहीं होती है, वो कमजोरी लगी हमारे हिंदुस्तान के लिए कि उधर 2 जमीन भी नहीं मिलती उनको, कि आने के लिए भी नहीं मिलती है, और बहुत मुझे दुख लगा कि हमारे हिंदुस्तान के वहाँ जाके उसकी कोई कदर नहीं होती। कैसी लगी फिल्म आपको? ठीक लगी। क्या खास बात लगी? खास तो ऐसा कुछ इतना ये नहीं है, मगर जो बोलते पॉलिटिक्स वाले जो उनको जो काम के लिए भेजते हैं उसको फंसाया जाता है, बस तो फंसे नहीं, अरे होशियार है और शेर को सवाल मिलता है। रॉक की स्टोरी बताई गई, क्या लोगों की सोच बदलेगी इंटेलिजेंस को लेके, आईपी को लेके? बदलना चाहिए, लोगों की सोच बदलना, और सोच बदलेगी तो इंडिया बदलेगा। क्या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया गया है इसमें? ज्यादा नहीं है, और सोच बदलेगी तो ही काली मोदी जी बदल नहीं सकते, और शुरुआत अपने से करना चाहिए। सब पॉलिटिक्स अपने एक इंडिया का जिम्मेदार आदमी है हर एक आदमी। परमाणु के बाद में ये फिल्म आई है उनकी, एक बार तो देख सकते हो आराम से। जॉन की एक्टिंग एकदम अच्छी है। देखो एक बार तो देखो, 4 सर ये लास्ट है। फिल्म बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, और जनरली कंट्री के ऊपर है, डिटेक्टिव एजेंसीज के ऊपर है, जो हम लोग जनरली देखते नहीं है, तो इस मूवी में वो सब देखने को मिला। और जॉन अब्राहम को ऐसे रोल में कभी देखा नहीं था, और ऑब्वियसली जो 3 पार्ट्स कैरेक्टर्स दिखाए जॉन अब्राहम के वो बहुत ही अच्छा है, और जनरली पेट्रियटिज्म के ऊपर है, तो बहुत ही यस हाँ, तो वही था कि जॉन अब्राहम ने एक अच्छी जो रेंज पकड़ी है पेट्रियटिज्म मूवीज करने की, विच इज़ वेरी गुड, एंड ही इज़ डूइंग गुड जस्टिस विद द रोल दैट ही इज़ डूइंग। परमाणु को शायद से, या शायद से, बिकॉज देखने जाए तो दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों का कंटेंट बहुत ही डिफरेंट है। परमाणु का बहुत ही डिफरेंट कंटेंट था, और इसका बहुत ही डिफरेंट कंटेंट है, तो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का डिफरेंट है। दोनों की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी। मौनी राय को दो इतना बड़ा रोल नहीं था, बट वॉट एवर शी हैड उन्होंने बहुत जस्टिस किया उसमें, और जॉन अब्राहम ने तो बहुत ही अच्छी तरह से पुल किया। 4.5। मैं कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी लगी, और मैं तो चाहता हूँ कि हर इंडियन को ये देखना चाहिए। क्या खास बात है? एक्टिंग, कंटेंट और सब कुछ। हाँ, डायरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, बहुत मस्त लगा। फ्रेंड्स को नहीं, पूरे इंडिया को एडवाइस दूंगा कि देखो ये मूवी। हाँ, बदलेगी ना, कि कैसे हमें अपने वतन के लिए करना चाहिए। आउट ऑफ 4.5। मुझे काफ़ी अच्छी लगी फिल्म, बहुत कन्विंसिंग है। जॉन अब्राहम की एक्टिंग बहुत अच्छी है इस बार, उनको हर बार में एक ही तरह के रोल में ज़्यादा देता था, जैसे रेस 3 में देखा है, फोर्स में देखा है, इस काइंड ऑफ एन अग्रेसिव कैरेक्टर हर बार उनका आया है।
लेकिन इस बार ही वॉज क्वाइट सटल एंड एक्शन मूवी में ज़्यादा नहीं था, एक्शन वॉज सटल, एवरीथिंग वॉज वेरी कन्विंसिंग। सिकंदर खेर का एक्ट भी अच्छा था एंड मूवी ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड डिपिक्शन ऑफ हाउ इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मार्टियर्स हू हैव बीन देयर सर्विंग द कंट्री विदाउट एनी देयर ओन, उनके बिना किसी इच्छा के वो अपने हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। लाइक दे आर ऑलवेज बीन अननेम्ड, दे आर इन द, दे आर नॉट इन द लाइम लाइट बेसिकली। सो ये चीज़ एक अच्छी है जो हमारा भारत देश हमको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि या देर आर पीपल हु आर ऑलवेज वर्किंग फॉर इंडिया एंड इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर प्रमोटिंग दिस थिंग राइट नाउ। एंड एक चीज़ और, इसमें कुछ पॉलिटिकल मुद्दे ज़्यादा नहीं दिखाई दिए क्योंकि उस टाइम जिस तरीके से कांग्रेस सरकार का राज था तो इस बार इसमें पॉलिटिकल वे में थोड़ा ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है कि नहीं कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया है। सो ये चीज़ एक मुझे अच्छी लगी कि इट इज़ नॉट दैट पॉलिटिकल एंड मूवी इज़ क्वाइट गुड ओवरऑल। परमाणु को डेफिनेटली पीछे छोड़ गए एंड बिफोर कमिंग टू दिस मूवी आई एक्चुअली टुक अ रिव्यू ऑफ ऑल द जॉन अब्राहम इन विच जॉन अब्राहम इज देयर एज अ लीड। सो परमाणु डिड नॉट डू दैट वेल एज सत्यमेव जयते। वॉट आई थिंक इन दिस कंट्री पीपल नीड टू गेट मोर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स वॉट इज़ बीन गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड एंड हमारी जो जनरल क्राउड है इज़ नॉट दैट एजुकेटेड क्योंकि अभी इंडिया का एजुकेशन लेवल इज़ क्वाइट, लिटरेसी लेवल इज़ क्वाइट लो। सो उस हिसाब से सत्यमेव जयते डिड वेरी गुड, वेर एज ऑन द अदर हैंड आई थॉट कि परमाणु शुड डू गुड बिकॉज इट्स अ मूवी दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल रियल इवेंट्स दैट हैज़ हैपन्ड इन इंडिया एंड पीपल शुड नो अबाउट इट। सो या दिस इज़ अगेन अनदर रियल लाइफ इवेंट दैट इज़ बीन टोल्ड टू अस। सो आई थिंक परमाणु के बाद ये मूवी विल डू गुड, रॉय इज़ गोइंग टू डू गुड। हाँ जी, मोनी रॉय ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आई पर्सनली लाइक मोनी रॉय अलॉट बिकॉज उनके लुक्स एंड द वे शी एक्ट्स इज फिटिंग द कैरेक्टर इन विच शी इज एंड नो डाउट शी हैज डन अ फैबुलस जॉब। जी फ्रेंड्स को आई वुड एडवाइज कि डू कम एंड वॉच द मूवी एंड इट इज़ अ मस्ट वॉच मूवी इन थिएटर, यू शुड वॉच इट। एंड क्रिटिकली इफ आई वुड से मूवी में सस्पेंस अच्छा है, एक्शन ज़्यादा नहीं रखा है, इट इज़ सटल एंड इट इज़ रियलिस्टिक। वेयर एज जब हम देखते हैं अलग मूवीज़ में जहाँ जॉन अब्राहम जैसे अलग अलग मूवीज़ में आते हैं, एक मुक्का मारा एंड द पर्सन इज़ फ्लाइंग अवे लाइक एनीवेयर। सो दिस टाइम दे ट्राई टू कैप इट मोर रियलिस्टिक। सो या आई वुड सजेस्ट देम टू वॉच द मूवी। ये आप बात एक मिनट ऑटो पे कितना देना चाहेंगे? जी ऑटो पे कितना देना चाहेंगे? मैं इसको 4। चलिए ये यहां पे नथिंग मच ग्रेट। नहीं नहीं नथिंग, नो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, नॉट एंटरटेनिंग, नथिंग, नो एक्शन, नथिंग, कुछ मारा मारी कुछ है ही नहीं। मीन्स एजेंट की लाइफ दिखाई है लेकिन आई डोंट थिंक इट विल क्लिक। एक्टिंग ठीक है, एक्टिंग कर लेता है बट कुछ एंटरटेनिंग नहीं है ना, यू कांट गेट थ्रू। पब्लिक बोर हो रही है, बैठे बैठे सो रही है सर, मेरे पड़ोसी तो खड़ाटे मार रहा हूँ बेचारा, तो क्या करें पता। देने के लिए 2 दूंगा, बाकी देने के लिए म्यूजिक के ऊपर ध्यान नहीं जाता कभी भी पिक्चर, वो तो ढड़ा ढड़ूम चलता रहता आजकल, नथिंग। थैंक यू, ओके। सर के साथी हूँ, सर ने जो बताया वही, और टोटल मिला के फिल्म अच्छी थी और हीरो वगैरह सब एक्टिंग अच्छी थी, गुड एक्टिंग, एवरीथिंग इज गुड। मैं 5 स्टार देना चाहूँगी, मुझे अच्छी लगी ये फिल्म।